श्री ब्रह्मा विष्णु महेश नमः, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश नमः, ओम श्री यशो भूमि देवी जी सदा प्रसन्नम, ओम श्री भारत मंडपम जी सदा प्रसन्नम। चंद्रमा जो है वृश्चिक में आया है अभी अभी, तो वृश्चिक का चंद्रमा जो है ना वो मकर वालों के तो लाभ स्थान में पड़ता है, तो वृश्चिक वालों के लिए अगले 3 दिन जो है बहुत अच्छे माने जाएंगे। और केतु जो है वो 7 नंबर में 30 अक्टूबर तक है, तो तुला राशि होती है कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टनर, कोऑपरेशन फ्रॉम वाइफ, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स। जो तुला का केतु है पिछले 18 महीने से ना लोग आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे, जानबूझ के एक दूसरे का विरोध कर रखा है। कन्या का केतु जो है वो शत्रु नाश करता है, रोग नाश करता है और कर्जे का नाश करता है। शनि है कुंभ में 29 मार्च 2025 तक, और जो 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहा है, तो 4 नवंबर को जो शनि मार्गी होगा मिथुन राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए, जो मिथुन राशि वाले हैं उनके 2.5 साल मीन में, 2.5 साल मेष में, तो शनि जो है ना वो बेटर देन बेस्ट रहेगा। 4 नवंबर के बाद पीपल हैव सोर्स ऑफ इनकम, 4 नवंबर के बाद लोगों की इनकम जो है, शनि इतना पैसा देगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो 29 मार्च 2025 से पहले पहले। गुरु राहु मेष राशि में है, जो गुरु राहु एक नंबर में एक साथ है, राहु है पितृ, राहु है प्रेत, राहु है बुजुर्ग, राहु है ससुराल, राहु है यूटिलिटी बिल्स, राहु है फैमिली मेम्बर्स। ये जो गुरु राहु दोनों एक साथ है ना, गुरु वक्री हो रखा है, गुरु चंडाल योग बन गया, 30 अक्टूबर को गुरु राहु का संबंध जो है टूट जाएगा। जैसे गुरु राहु का संबंध टूटेगा तो 30 अक्टूबर के बाद इस धरती के लोगों की किस्मत जो है 100% साथ देना शुरू कर देगी। राहु केतु का ये संबंध टेक्निकली 18 साल बाद बनता है, 18 साल बाद या 36 साल बाद, 18 साल बाद, 36 साल बाद, 54 साल बाद। तो गुरु राहु का जो संबंध टूटेगा, जैसे ही धनु राशि से राहु का संबंध खत्म होगा, इस धरती के लोगों की किस्मत 100% पे साथ देना शुरू कर देगी। राहु का मतलब है सफ़ेदी वाले जो है ना, लक्ष्मी कुबेर का घर जो छोड़ के जाएंगे। 30 अक्टूबर को सफ़ेदी वाले जा रहे हैं, राहु है सफ़ेदी वाला। राहु की 5वीं दृष्टि है सिंह राशि की, सिंह राशि होती है प्रेमी प्रेमिकाओं की और अकल की, बच्चों की। तो राहु जो सिंह राशि को देख रहा है तो बच्चों के माँ बाप तंग रहेंगे, एजुकेशन की प्रॉब्लम रहेगी, नर्सरी एजुकेशन और ट्रबल ड्यू टू चिल्ड्रन, मदर फादर के लिए प्रॉब्लम होंगे। सिंह राशि प्रेमी प्रेमिकाओं से आदमी तंग रहेगा, लवर से तंग रहेगा। सिंह राशि का मालिक तो वैसे सूर्य है, तो लोगों की बुद्धि जो है ना वो कम काम करेगी 30 अक्टूबर तक, जब तक राहु एक में है। और राहु देख रहा है तुला राशि को तो उसमें कोई कोऑपरेट ही नहीं करेगा, हेल्थ वेल्थ रेपुटेशन खराब करेगा, नज़र कुटुंब वाले भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, ससुराल वाले भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि राहु है ससुराल, राहु है जॉइंट फैमिली, राहु है दादा दादी के रिश्तेदार, दादे के रिश्तेदार, दादी के रिश्तेदार, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, राहु है पितृ, राहु है प्रेत। तो गुरु राहु का संबंध 30 अक्टूबर को टूटेगा तो कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीबडी आ जाएगी, पत्नी से कोऑपरेशन, इम्पोर्टर से कोऑपरेशन, एक्सपोर्टर से कोऑपरेशन। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, राहु करता है आपने बुलाया आइए कुंवर साहब, दूसरा आदमी को लगेगा कह रहा आइए सुवर साहब। और राहु की दृष्टि पड़ गया धनु राशि पे तो किस्मत साथ नहीं दे रही, लक साथ नहीं दे रहा, अदर्स फेथ इन यू, लोग भरोसा ही नहीं कर रहे, लक अदर्स फेथ इन यू, आर इटालियन सी ट्यूशन पावर फोर सेट ना से ट्रैवल फॉर ट्रैवल बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम, इम्पोर्ट में प्रॉब्लम, लक फेवर जो है काम नहीं कर रही 18 महीने से, अदर्स फेथ इन यू काम नहीं कर रहा 18 महीने से, लक अदर्स फेथ इन यू, हायर इंटेलिजेंसी इंट्यूशन पावर भी जो है ना वो 18 महीने से काम नहीं कर रही, लक अदर्स फेथ इन यू, इंटेलिजेंसी इंट्यूशन पावर फोर सेटनेस एयर ट्रैवल फॉरन ट्रैवल बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट। कईयों की 18 महीने से काम नहीं कर रही, कईयों की 36 महीने से काम नहीं कर रही, कईयों की 18 साल से काम नहीं कर रही, कईयों की 36 साल से काम नहीं कर रही। तो राहु का जो संबंध टूटेगा जुपिटर के साथ में 30 अक्टूबर के बाद, इस धरती पे 100 करोड़ शादियाँ होंगी, 100 करोड़ लोग माता पिता बनेंगे, 100 करोड़ लोग दादा दादी बनेंगे, 100 करोड़ लोग नाना नानी बनेंगे, 100 करोड़ लोगों को इम्पोर्टर मिलेगा, 100 करोड़ लोगों को एक्सपोर्टर मिलेगा, 100 करोड़ लोगों को पार्टनर मिलेगा, 100 करोड़ लोगों की शादियाँ होंगी,
क्योंकि जैसे ही राहु हटेगा, जुपिटर ऑपरेट होगा, तो वो शादियों के लिए ठीक है, नेम एंड फेम इन फॉरेन कंट्रीज, कोऑपरेशन फ्रॉम एम्बेसी, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही जो है केतु तुला में से निकलेगा, राहु मेष में से निकलेगा, तो कोऑपरेशन फ्रॉम ए टू जेड एवरीबडी, परिवार के लोगों से, कुटुंब के, बाप के रिश्तेदारों से सहयोग, माँ के रिश्तेदारों से सहयोग, दादा दादी के रिश्तेदारों से सहयोग, ससुराल से सहयोग, नाना नानी से सहयोग। अभी राहु ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर रख दी है, वही कि आपने बुलाया, आइए कुंवर साहब, दूसरे को लग रहा कह रहा आइए सुअर साहब। तो और बुध जो है कन्या में जाएगा 1 अक्टूबर को, और सूर्य मंगल केतु का जो ये संबंध बना हुआ है, ये शत्रु नाश करता है। सूर्य केतु में MLA, MP, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कस्टम, एक्साइज, और मंगल केतु में हो गए आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक। 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण है, 29 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण है। तो जो 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण है, तो वो सरकारी लोग जो है ना परेशान रहेंगे, MLA, MP, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कस्टम कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर, एयरपोर्ट कमिश्नर, DRA कमिश्नर, ED कमिश्नर। और मंगल जो केतु वो देख रहा है, तो मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, आर्मी वाले, ये जो है ना बदनामी से करा देता है। जैसे सूर्य ग्रहण है वो सरकारी लोगों की बदनामी कराता है, चंद्र लोग, सूर्य है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, चंद्रमा है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण है वो उस केंद्र सरकार के लोगों की बदनामी करा सकता है, और चंद्र ग्रहण है वो राज्य सरकार के लोगों की बेइज्जती करा सकता है, MLA, MP, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कस्टम, एक्साइज, एयरपोर्ट मैनेजर की। तो अब इसमें जो है तुम्हारा 20 सितंबर को जो, वैसे तो शनि वृश्चिक राशि को देख रहा है 29 मार्च 2025 तक, तो तब तक आदमी जो है ना इलीगल काम करना जो है अवॉइड करे, जब जब चंद्रमा वृश्चिक में आए। चंद्रमा आ रहा है धनु में, उसे राहु देख रहा है, राहु जो है कमज़ोर पड़ गया है, राहु जो है कमज़ोर पड़ गया है। सूर्य है कन्या में 5 डिग्री का, चंद्रमा है 10 डिग्री का, सूर्य कन्या में है 5 डिग्री का, उत्तराफादिनी नक्षत्र में, चंद्रमा धनु में है मूल नक्षत्र में, 10 डिग्री का। मंगल अस्त है, मंगल अस्त है आई थिंक जनवरी 2024 तक। बुध सिंह में है 17 डिग्री का, गुरु वक्री है 1 जनवरी 2024 तक, और शुक्र कर्क में है 24 डिग्री तक। तो ये अच्छा घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन जायदाद, हैप्पीनेस फ्रॉम अपोजिट सेक्स, ड्रीम डैश, ड्रीम कार दे सकता है। शनि वक्री है 4 नवंबर तक, और राहु 1 डिग्री का है, केतु 1 डिग्री का है, और जो राहु है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। राहु जो है स्किन इन्फेक्शन देता है, और तुला का जो केतु है वो कोई भी तुम्हारी बात समझता नहीं है। केतु है सिरकटा भूत, दक्ष प्रजापति। तो इसमें जो अब धनु को जो है राहु देख रहा है, तो किस्मत जो है थोड़ा उसके लिए, अगर पितरों के लिए दान करें किस्मत साथ देने लग जाएगी। राहु प्रसन्न होता है नारियल के दान से। चंद्र शनि बुध का संबंध बन रहा है 27 सितंबर को, इसमें चंद्रमा है 8, शनि वक्री है 7, शनि कुंभ में है 7 डिग्री का, तो चंद्रमा है 8 डिग्री का, बुध सामने बैठा है। तो इसका मतलब है इस धरती के लोगों को एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी से जो लाभ हो सकता है, बैंक टू फ्रेंड, बैंक टू सोसाइटी, कंप्लीशन और रिटायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंक टू एल्डर्स, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, तो वो 27 सितंबर में होने की संभावना है, क्योंकि चंद्रमा शनि से आगे निकल गया और चंद्र बुध का संबंध है। चंद्र बुध आदमी को फायदा देता है, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, बैंक टू फ्रेंड, बैंक टू सोसाइटी, कंप्लीशन और रिटायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंक टू एल्डर्स। और इसमें 30 सितंबर में जो है चंद्र मंगल सूर्य का संबंध बन गया, चंद्र मंगल में राज खुलने का डर रहता है, चंद्र केतु कलंक योग है, चंद्र सूर्य केतु में सरकारी लोगों को कलंक लग सकता है, चंद्र मंगल में आर्मी, मिलिट्री, पुलिस के लोग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो है एक अजीब सी विचित्र सी जो है बदनामी सी करा सकता है 30 सितंबर तक। इसमें जो है अक्टूबर में अगर हम चलते हैं,
तो 3 अक्टूबर को चंद्रमा आ गया 2 में, शुक्र है 5 में। 2 नंबर का चंद्रमा जो है अच्छा माना जाएगा, सिंह का शुक्र भी जो है वो ठीक माना जाएगा। 3 अक्टूबर कुल मिला के जो है ठीक मानी जाएगी। 3 अक्टूबर में प्लस पॉइंट हो गया कि बुध उच्च का हो गया, जो उच्च उच्च का बुध है वो ना 1 अक्टूबर के बाद चंद्रमा वृश्चिक में आया है 20 सितंबर 8:43 पे, 20, 21, 22, 23 जो चंद्रमा है ना वृश्चिक में, वो वृश्चिक मकर वालों के तो इनकम हाउस में है, मकर वालों के लिए जो बैंतु फ्रेंड बैंतु सोसाइटी कम्पलीशन डिजायर सक्सेस इन अंडरटेकिंग बैंतु एल्डर्स 20, 21, 22 और 22, 23, 24 में चंद्रमा धनु में है, धनु में राहु देख रहा है। इवन देन मिथुन राशि वालों के पत्नी भाव में आ गया तो कोई पत्नी या पार्टनर जो है मिथुन वालों को मिल सकता है 22, 23, 24 में। और चंद्र शनि का मकर में संबंध बनेगा, शनि वक्री है 24, 25, 26 में, ये भी वैसे बिजनेस ऑर्डर दे सकता है, लेकिन जब चंद्रमा शनि को ओवरटेक करेगा 27 तारीख को, तो वो 27 तारीख बुधवार एजेंसी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस बैंकिंग कंसल्टेंसी से लाभ दे सकता है। 28, 29 में चंद्रमा मीन में है, मीन में राहु आ रहा है, मीन का राहु इस धरती के लोगों के इतने खर्चे बढ़ाएगा, लोग 10 ऑडी ले रहे हैं, 10 BMW ले रहे हैं, 10 मर्सिडीज ले रहे हैं, 10 पेंटें, 10 शर्टें, 10 हीरे के हार, टॉप मोस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द सेंचुरी, क्योंकि मीन राशि खर्चे की है, हनीमून ट्रैवल की है, धनु राशि है एजुकेशन वीज़ा और मीन राशि है तुम्हारा हनीमून वीज़ा की, बहुत खर्चा कराएगा। चंद्रमा मेष में आएगा 1 तारीख बेटर देन बेस्ट संडे, 1 तारीख में लोटो निकल सकता है, लॉटरी निकल सकती है, क्योंकि बुध उच्च का हो जाएगा 1 अक्टूबर को, तो संडे को 1 अक्टूबर को लोटो और जैकपॉट दोनों के चांस बनते हैं, लोटो की भी लॉटरी ले सकते हो, जैकपॉट भी ले सकते हो। 1 अक्टूबर लोटो जैकपॉट बेटर देन बेस्ट, 2 लोटो जैकपॉट बेटर देन बेस्ट, 3 लोटो जैकपॉट बेटर देन बेस्ट, 4 लोटो जैकपॉट बेटर देन बेस्ट, 5, 6, 7 में ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम हॉलीडेज, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, क्योंकि बुध उच्च का चलेगा 1 अक्टूबर से, और तो 1 बेटर देन बेस्ट, 1 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट, 2 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट, 3 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट, 4 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट, 5 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट, 6 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट, 7 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट, 8 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट, 9 अक्टूबर बेटर देन बेस्ट, 10 अक्टूबर में चंद्र शुक्र का सिंह में संबंध बनेगा। इस धरती पे जितने भी कोर्ट मैरिज होंगी, क्योंकि शुक्र सिंह में आ गया, 10, 11, 12 में टॉप मोस्ट कोर्ट मैरिज ऑफ दी सेंचुरी, 10, 11, 12 और 12, 13, 14 में चंद्र बुध का आई थिंक कन्या में संबंध बनेगा। 12, 13, 14 में मिथुन राशि वाले कोई ड्रीम कार, ड्रीम हॉलीडेज ले सकते हैं, और मकर राशि वालों को कोई $1 million का फ़ायदा हो जाए, $10 million का फ़ायदा हो जाए, मिलीनियर, बिलीनियर, ट्रिलीनियर बन सकते हैं, क्योंकि मकर से चंद्र बुध का संबंध बन गया लक हाउस में 12, 13, 14 को, और मिथुन से चंद्रमा का संबंध बन गया चौथे घर में, तो मिथुन और मकर वालों का जो मिलियन बिलियन ट्रिलियन का योग बन गया 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर। और 15 अक्टूबर को चंद्र केतु का संबंध है, लेकिन वो भी तुला वालों के लिए भी ठीक है, या मकर वालों के लिए ठीक है, मिथुन वालों के लिए भी। 14, 15, 16, 17 में मकर वालों को बेनिफिट फ्रॉम NRI, बेनिफिट फ्रॉम फॉरनर्स। 17, 18 वृश्चिक में है, वो भी ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा 30 अक्टूबर को जो है ना, ये समझ लो 30 अक्टूबर को जो राहु केतु है वो घर बदल लेंगे। 30 अक्टूबर को केतु आ गया, केतु कुंभ इधर ही है, 1 नवंबर कर लेते हैं इसे, समझ लो 1 नवंबर को, 1 नवंबर को
एक नवंबर को केतु आ गया 6 में और राहु आ गया 12 में। कन्या का केतु जो है शत्रुओं का नाश करता है, रोग ऋण रिपु सबका नाश करता है, और मीन का राहु बहुत खर्चे करता है। हनीमून ट्रैवल, हनीमून वीज़ा, हनीमून। अगले 18 महीने इस धरती के लोग सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च करेंगे जो 18 महीने में, जब राहु मीन में आएगा। और जैसे ही केतु का तुला से संबंध ख़त्म होगा, कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टनर, कोऑपरेशन फ्रॉम इम्पोर्टर, कोऑपरेशन फ्रॉम इम्पोर्टेंट, कोऑपरेशन फ्रॉम फीमेल्स, कोऑपरेशन फ्रॉम अपोजिट सेक्स, A to Z इस धरती के लोगों से जो कोऑपरेशन मिलेगी, वो जब केतु तुला राशि से निकल जाएगा।